खरसिया ब्लॉक के ग्राम सोड़का में अन्य राज्यों से वापस आने वाले 24 लोगों को बालक छात्रावास में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जहां सबसे पहले सभी मजदूरों का डॉक्टर द्वारा चेक किया गया, जिसके बाद लक्षण दिखने वाले मजदूरों का सैंपल लेकर भेजा गया है। दरअसल मामला खरसिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोड़का का है, जहाँ विभिन्न राज्यों से आने वाले 24 लोगों को ब्लॉक छात्रावास सोड़का को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था और वहीं रखा गया था, जहां जिले से आए हुए डॉक्टर द्वारा सैंपल लिया गया था, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। मगर डॉक्टर की सतत निगरानी में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं दिखने के कारण और 14 दिन क्वारंटाइन में बिताने के बाद उन्हें अपने घर भेजा गया और क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी लोग थे उन्होंने वहाँ की उत्तम व्यवस्था को देखते हुए सरपंच महोदय गंगाबाई तथा उप सरपंच सुलोचना चौहान और सचिव रामेश्वर पटेल को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा सरपंच उप सरपंच सचिव और डॉक्टर बीएन मेहर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा साफ हिदायत दी गई है कि आप लोग 14 दिन होम आइसोलेशन में रहें और पंचायत की तरफ से गाड़ी करके उन्हें अपने निवास स्थान में छोड़ा गया। खरसिया से कृष्ण गोपाल डनसेना की रिपोर्ट, ACN 24। जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में बरमकेला जनपद पंचायत के पीओ आशीष भारती ने बरमकेला के सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यस्थलों पर कोविड-19 से बचाव और जागरूक जरूरी सावधानियों के बारे में श्रमिकों को नियमित रूप से जागरूक किया। जनपद पंचायत बरमकेला के पीओ आशीष भारती एवं विमूल कुजूर के द्वारा ग्राम पंचायत खोरी गाँव में श्रमिकों को 12 बंदों को पढ़ाकर सुनाया गया और ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक कार्यस्थलों में सप्ताह में एक दिन काम शुरू होने से पहले श्रमिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए क्या करें और क्या नहीं की जानकारी देंगे। इसका पालन करने के सुनिश्चित निर्देश दिए गए हैं। मजदूरों के बीच कोविड-19 संबंधित जन जागृति संदेशों के प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर काम शुरू किए गए हैं। आशीष भारती ने बताया कि आज ग्राम पंचायत खोरी गांव में सभी श्रमिकों को कोविड-19 से बचाव और जरूरी सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया और रोजगार सहायक और पंचायत सचिव क्या करें और क्या नहीं के बारे में मजदूरों को जानकारी देंगे और श्रमिकों को काम करने से पहले ही जागरूक किया जाए। बरमकेला के सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य किया जा रहा है। सभी गांव में सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। हम आंध्र प्रदेश जी रहें और कमा कमी के बढ़िया फेरे मतलब तो यहाँ के सोड़का छात्रावास के व्यवस्था है किसे रही बताइए। हाँ बढ़िया रही जी, सोड़का के छात्रावास व्यवस्था बढ़िया रही, खाना पीना और बढ़िया सरपंच एवं सचिव बढ़िया देख लेते रहे। कुछ प्रकार के परेशानी नहीं 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 कुछ हमारे पंचायत से 24 श्रमिक बच्चे सहित आंध्र प्रदेश गए थे बनाने के लिए,
वो लोग 22 तारीख को शाम को यहाँ आए थे। क्वारंटीन सेंटर एससी छात्रावास सोड़का तो रखा गया था, जिनको हम लोग यहाँ पर 22 तारीख से आज 5 तारीख तक उनको सभी व्यवस्था किए थे, खाने पीने रुकने के लिए पूरा इंतजाम किए थे, उनको कोई प्रकार की परेशानी ना होकर। तो हम लोग आज इनको क्वारंटीन सेंटर से इनको घर जाने के लिए, अपने घर में होम आइसोलेशन करने के लिए इनको जाने के लिए हम लोग यहाँ से विदा कर रहे हैं। और घर में लोग अपनी दूरी बनाकर अपना घर में ही होम क्वारंटीन करेंगे। ये हमारी ये सबको ऐसी समझाइश दिए हैं जितना प्रवासी हमारे ग्राम पंचायत से गए थे बाहर तरफ काम करने के लिए। मैं डॉक्टर वी एन मेयर प्राथमिक स्वास्थ्य सोनका के प्रभारी अधिकारी हूँ। हमारा जो सोनका ग्राम पंचायत में बाहर से आए थे मजदूर, उन लोग को प्रवासी मजदूर को इनको क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखा गया था। आज इनका 14 दिन का आखिरी दिन है। इनको अभी फिर 14 दिन घर में आइसोलेशन में रखा जाएगा। इनका सैंपल तो गया है लेकिन अभी तो कोई रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है किसी का। फिर भी अटैक तौर पर और 14 दिन को रखा जाएगा क्योंकि आजकल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा मिले हैं भारत में। तो इनको हम सब दिन स्वास्थ्य परीक्षण किए, अभी किसी का कोई लक्षण नहीं मिला है। अच्छा, होम क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे तो सर आप लोग सतत चेक करने जाएंगे कैसे? हाँ, वहाँ भी दिल्ली हमारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा इनको ये स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। किसी का कोई अगर लक्षण दिखेगा तो तुरंत फिर इनको फिर सैंपल लिया जाएगा। सैंपल तो लिया गया, फिर भी लिया जाएगा। परमकेला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, एसीएन 24।